बच्चों, आप सबको इस ड्राइंग कंपटीशन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा है। आप सब जो भी ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। बस आप सबको एक बात का ख्याल रखना होगा, आप सबकी ड्राइंग सबसे अच्छी, अलग और हटके होनी चाहिए। और हाँ, पेरेंट्स लोग भी इस ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और अगर आप सब बच्चों के साथ ड्राइंग कर रहे हैं तो बच्चे भी मोटिवेट होंगे। चलिए चलिए, आप भी ड्रॉ करिए। हेलो मैम। आप? मैं वैष्णवी की मॉम। ओह, आप वहाँ जाके बैठिए। ऑल द बेस्ट। हाय आरुषि, ऑल द बेस्ट। अच्छे से बनाना। ओके, कहाँ बैठना? आप वहाँ बैठ जाइए और आप लोग भी बैठ के कुछ ड्राइंग कीजिए। आप यहाँ कैसे? बच्चे जिद कर रहे थे, ऑफिस में कुछ काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा उनके साथ यहीं आ जाता हूँ। करें ड्राइंग? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। बड़े अमाउंट के चेक? डॉक्टर सुभाष सिंह, ये डॉक्टर सुभाष सिंह है कौन? और मॉम इसे इतने पैसे क्यों दे रही है? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं एक फाइल ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रखी है, मैं देख के आती हूँ। मॉम, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। कितने? 50,000। 50,000? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? और तुम्हें अचानक कितने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? वो कुछ काम था। कोई बात नहीं, मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगी। मॉम ने पिछले महीने भी 50,000 का चेक उस डॉक्टर सुभाष को भेजा, तो फिर मुझे क्यों झूठ बोल रही है? मॉम, किसी डॉक्टर सुभाष का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें आपसे बात करनी है। मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। ये क्या नाम बोला तुमने? सुभाष सिंह। आई डोंट नो, नेवर हर्ड द नेम। स्ट्रेंज, तो साफ साफ कह रहे थे कि उन्हें रोशाली जी से बात करनी है। होंगे कोई? पकड़ा गया झूठ। मगर मॉम झूठ बोल क्यों रही है? आखिर ये डॉक्टर सुभाष है कौन? और मॉम उसे इतने पैसे क्यों भेज रही है? पता करना होगा। थैंक यू भैया, मुझे भी यही वाली आइसक्रीम दीजिए। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसा मैं हमेशा खाता हूँ। वेरी टेस्टी। पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद थी, सेम फ्लेवर। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें लगन सर, सबको याद ही नहीं। थैंक यू। कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छी है। भैया कितने हुए? अरे मैं देता हूँ ना। अरे भाई,
आइसक्रीम साला खुद ही आइसक्रीम को खा रहा है ना। ये आइसक्रीम एक बार टेस्ट करने को मिल जाए तो। तुम यहीं रुको, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। इधर देखिए, आपको चोट लगी है क्या? बचपन है नरेंद्र सर, अब एक सेकंड बताइए, एक सेकंड मुझे दिखाइए प्लीज। आप थोड़ा अपने आप को बदल नहीं सकते क्या नरेंद्र सर? आप 5 साल पहले भी ऐसे ही थे, मेरे लिए किसी से भी झगड़ पड़ते थे। देखिए आपको कितनी चोट लगी। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। चलो आशीष वैष्णव, चलो चलो, आप ठीक तो है? चलिए आइए। अरे साहब आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक। लगता है मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं। कितना हक से डांट रही थी आपको। मेरी बीबी भी मुझे इसी तरह डांटती है जब मुझसे कोई गलती हो जाती है या मुझे कुछ हो जाता है। माना, कोई माने या ना माने, लेकिन एक बात है, अंकिता और नरेन एक वक्त था जब साथ थे। कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। माना उनका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक होने के बाद भले ही से नरेन सब कुछ भूल गया, लेकिन अंकिता उससे प्यार करती थी, करती है। और जहां तक नरेन का सवाल है माना, वो भले ही से सब कुछ भूल गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं नरेन के दिल में वो सारी बातें वो महसूस करता है। शायद शायद बस याद आना बाकी है। मतलब? मानव इसका मतलब ये है कि परी इनसिक्योर है। मानव आपने अपना सारा बिजनेस सब कुछ अंकिता के नाम कर दिया। कुछ गलत नहीं किया आपने, जो किया सही किया। अब परी को ये लग रहा है कि शायद अंकिता नरेन को भी छीन लेगी। अर्चना अगर ऐसा है तो तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। तुम जाओ जाके समझाओ उसे। आपको क्या लगता है मानव, मैं अब तक बात कर चुकी होती परी से कि नहीं की? क्योंकि मुझे पता है कि चाहे हम अभी उसे कितना भी समझा ले, किसी की नहीं सुनेगी। सही वक्त आएगा तब मैं खुद बात करूंगी उससे। अर्चना अगर तब तक देर होगी तो अंकिता की किस्मत। तुम कहना चाहती हो कि नरेन अंकिता के पास फिर से वापस चला जाए तो ठीक है? मानव ये अंकिता खुद भी नहीं चाहती। अगर चाहती तो शायद 5 साल पहले परी को अपना पति सौंप कर नहीं गई होती। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है किसे पता है। अंकिता अपनी तरफ से अपने प्यार की परीक्षा दे चुकी है मानव, अब बारी परी की है। और अगर परी के प्यार में ताकत है तो नरेन उसके पास रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो कभी ना कभी नरेन अंकिता के पास वापस जरूर जाएगा। तुम सही कह रही हो अर्चना, अब प्यार को तय करने दो कि किसके हिस्से में किसे जाना है। प्यार को चुनाव करने दो, तो जब प्यार चुनाव करता है ना तो सही करता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये पैकिंग क्यों कर रही हो? मैं जा रही हूँ क्या? तुम चाहते हो तो चली जाती हूँ, फिर तुम आराम से अंकिता के साथ रह लेना, कोई नहीं होगा तुम्हें रोकने वाला। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि वहां पे आने वाली। नरेन तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। हाँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज डोंट ट्राई टू फूल मी, मुझे अच्छी तरह पता है आजकल क्या चल रहा है। अंकिता तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जब देखो तो उसी के साथ होते हो। एनीवे मुझे क्या करना है? कहाँ जा रही है? एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, उसकी एंगेजमेंट है, कल तक वापस आ जाऊंगी। मैं छोड़। What's wrong with परी? पता नहीं ऐसा क्यों बोले जा रही है। हर वक्त अंकिता के साथ थोड़ी ना होता हूँ, और अगर होता भी हूँ तो काम से। फिर और अंकिता के बीच ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे समझाऊं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।